चलिए नमस्कार आदाब सत श्री अकाल की हाल चाल आप सभी अध्ययन करने वाले मित्रों को आपके ही अपने YouTube चैनल आर्ट्स क्लास पे स्वागत है और मैं भारती सर आज हम लोग कराएंगे 12th क्लास का जो ज्योग्राफी का जो फर्स्ट चैप्टर है मानव भूगोल प्राकृतिक एवं विषय क्षेत्र इसके कुछ प्रमुख ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे। क्योंकि इस चैप्टर के बारे में अगर बताएं तो इस चैप्टर का पार्ट वन पार्ट टू और पार्ट थ्री ऐसे कर करके आपको प्लेलिस्ट में पढ़ा करके डाल दिया गया है और हालांकि एक ऑब्जेक्टिव का जो सीरीज है वो हम लोग बोर्ड पर कराए थे शायद वहाँ आपको साफ नहीं दिख पा रहा होगा इसीलिए हम आपको कुछ लिखे हुए प्रश्न बढ़िया से यहाँ पर लेके आए हैं और चलिए फटाफट जो बच्चे जानते भी होंगे देखे भी होंगे एक बार रिवाइज करें कि कितना आप बना पाते हो। चलिए पहला आपके सामने प्रश्न है कौन सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है यहां पे आपको टिक आउट करना है। पहले आपका ऑप्शन दिख रहा है लिंग भूगोल दूसरा है सांस्कृतिक भूगोल सैन्य भूगोल चिकित्सा भूगोल जिसमें लिंग भूगोल सांस्कृतिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल की अगर बात कर ले तो ये सामाजिक भूगोल का ही उपशाखा है जी तो यहां सही ऑप्शन क्या हो जाएगा तो सही ऑप्शन यहां पे हो जाएगा आपका ध्यान दीजिएगा ये हो गया पहले प्रश्न को ध्यान देंगे सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र नहीं है तो लिंग भूगोल तो उपक्षेत्र है ही समाज सांस्कृतिक भी है चिकित्सा भी है तो ये सैन्य भूगोल नहीं होगा तो यहां पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा पहला का क्या हो जाएगा गुरु तो सी सही है। चलिए आगे ध्यान से सुनेंगे सेकेंड जो प्रश्न है मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। पहला ऑप्शन है स्ट्रैबो मिस्टेक है लिखने में दूसरा टॉलमी तीसरा हैकेल चौथा रेटजेल तो मानव भूगोल के जो जनक है वो रेटजेल साहब है जिनको कहते हैं फ्रेडरिक रेटजेल जर्मन के रहने वाले विद्वान थे। चलिए आगे नेक्स्ट प्रश्न ध्यान से सुनेंगे ये अगला प्रश्न है मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है ये किसने कहा है तो ये रेटजेल साहब के एक चेलाइन है जिनका नाम यानी शिष्य है स्टूडेंट है लड़की है इनका नाम है कुमारी सैंपल या फिर इनको एलएनसी सैंपल भी कहते हैं तो ये तीन का सी ऑप्शन सही है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा निम्नलिखित में कौन विद्वान मानव भूगोल से संबंधित नहीं है मानव भूगोल से संबंधित नहीं ऐसे का नाम बताना है सैंपल रेटजेल बार्टेड रसेल दूसरा अंतिम है हटिंगटन हटिंगटन मानव भूगोल से संबंधित है अमेरिकी भूगोल वेता है। इसके अलावा रेटजेल की बात कर ले तो ये तो खैर आधुनिक मानव भूगोल के जनक ही कहे जाते हैं सैंपल इनके शिष्य है ये भी भूगोल से संबंधित है भाई मानव भूगोल से संबंधित है तो बार्टेड रसेल नहीं हो जाएंगे यहाँ पे सी ऑप्शन सही है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े हम लोग तो पांचवा प्रश्न है नव निश्चयवाद से संबंधित कौन है तो नव निश्चयवाद से संबंधित आपका ऑप्शन है ब्लास दूसरा है हम्बोल तीसरा है रेटजेल चौथा है टेलर तो नव निश्चयवाद से संबंधित जो है वो टेलर साहब है इनका जो थ्योरी है रुको और जाओ। चलिए ये याद रखेंगे पांचवा का सी हो गया याद रखेंगे। अगले प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा एक भौगोलिक सूचना का स्रोत नहीं है ऑप्शन दिख रहा होगा आपको यात्रियों के विवरण प्राचीन मानचित्र और चंद्रमा से चट्टानी पदार्थों के नमूने जो चंद्रमा पर से ही लाए गए हैं इसके अलावे में प्राचीन महाकाव्य यानी पुराने जो हमारे इपिक थे जैसे महाभारत है रामायण है वो भौगोलिक सूचना का हमको जानकारी देता है कि नहीं तो यहाँ पे हमको आपको बताना चाहें कि इस तरह के जो होते हैं क्वेश्चन तो लोग ज्यादा नहीं दिमाग आते हैं और वो क्या करते हैं ना डायरेक्ट गूगल पे से ये प्रश्न लाए हैं और उन्होंने डी ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है जबकि एनसीईआरटी में साफ तौर पर क्लियर है आप बुक्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा चंद्रमा से जो लाई गई चट्टानी की जो मिट्टियां है ना इससे हमारे पुरानी भौगोलिक जो हमारा भौगोलिक सूचना इसकी जानकारी नहीं मिलता है। बाकी जो यात्री कहीं दूसरे जगह से आते हैं कुछ लिखते हैं तो यात्रियों के जो विवरण है ना कि फलाने जगह पे गए थे तो समतल मैदान था ये वो अपना जो भी एक यात्रा डिस्क्रिप्शन लिखता है ट्रैवलर डिस्क्रिप्शन को कहते हैं उससे भी हमको भौगोलिक सूचना की जानकारी मिलती है पुराने जो मानचित्र होते थे उससे भी जमीनों की हमको भौगोलिक चीजों की जानकारी होते थे और प्राचीन महाकाव्य से भी यहाँ पे सी ऑप्शन ही सही होगा। आप इस तरह से गूगल वाले डेटा को आप ध्यान में नहीं रखें आप पहले बुक पढ़िए उसके बाद सही आंसर कर करके एक अपना लिमिटेड मटेरियल कहीं रख लीजिए ताकि क्या होता है कि बार बार आप प्रश्न भूल जाते हैं तो जब प्रश्न आप भूल जाइएगा तो फिर गूगल पे चेक करिएगा फिर गलत डेटा मन में रख लीजिएगा सर इससे अच्छा है कि आप कहीं एक जगह मटेरियल को ठीक कर लीजिए। तो चलिए यहाँ पे आपका 16 नंबर प्रश्न का सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे प्रश्न अगर सातवें की अगर बात कर ले तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक भूगोल का वर्णन नहीं करता है ऑप्शन वन है समालोचनात्मक अनुशासन दूसरा है मानव और पर्यावरण के बीच अंतर संबंधों का अध्ययन और तीसरा ऑप्शन आपको दिख रहा है द्वैधता पर आश्रित चौथा है प्रौद्योगिकी के विकास में पर फलस्वरूप में प्रासंगिक नहीं है तो ये सारे के सारे जो ऑप्शन है ये ध्यान दीजिएगा ये भूगोल का वर्णन करता है तो ये याद रखेंगे ये कह रहा है कि नहीं है तो ये तीन जो ऑप्शंस आप देख रहे हैं ये तीनों भूगोलों का वर्णन ही करता है मानव और पर्यावरण के बीच में अंतर संबंधों का अध्ययन ये सब आप पढ़े ही हैं तो यहाँ पे सही ऑप्शन की बात कर लें तो आपका ए ऑप्शन सही है नहीं पूछ रहा था। चलिए आगे प्रश्न को ध्यान से देखेंगे निम्नलिखित में कौन मानव की मूल आवश्यकता से संबंधित नहीं है मानव की जो आवश्यकता बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखिए जरूरत तो है लेकिन उतना मूल आवश्यकता उसका नहीं बेसिक नीड्स आप कह लो कृषि बेसिक नीड्स के अंतर्गत ही आएगा गृह घर शिक्षा
शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, ये सब जानते होंगे, वस्त्र, ये सब बेसिक नीड्स में है। आपका वस्त्र भी बेसिक नीड्स में है। परिवहन उतना ज्यादा बेसिक नीड्स नहीं है। जब प्राचीन काल में परिवहन यातायात बढ़िया नहीं था, फिर भी लोग रहते थे, ठीक है, लेकिन कृषि, घर और वस्त्र, ये ज्यादा आपका क्या है, मूल आवास है। अगले प्रश्न आपके सामने है, चलिए फटाफट पढ़ते जाइए। निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का उपागम नहीं है? आपको बताना है कि मानव भूगोल का उपागम नहीं है। चलिए, उपागम के बारे में भी हम डिस्कस कर चुके थे। यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, क्षेत्रीय अभिभिन्नता, ये मानव भूगोल का उपागम है। स्थानिक संगठन मानव भूगोल का उपागम है। अन्वेषण और खोज, अन्वेषण का अर्थ होता है खोज, अन्वेषण और वर्णन, तो ये भी मानव भूगोल का उपागम है। मात्रात्मक क्रांति के ऊपर में हम आपको क्लास में पढ़ाए थे कि इसको विद्वान लोग नहीं मानते हैं, कहीं ना कहीं मानव भूगोल का ये उपशाखा नहीं है। अगर नेक्स्ट प्रश्न को ध्यान से सुनेंगे, निम्नलिखित में कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा है? आपको चूज करना है, क्योंकि आपके जो पार्ट वन पार्ट टू का जो आया था ना वीडियो का सीरीज, उसमें एक एक चीज़ पे हम फोकस किए थे कि आप किस तरह से चूज कर पाइएगा। दो तीन फैक्ट्स को हम लोग देखे थे, उस आधार पे आप बता दीजिएगा ना कि कौन राजनीतिक में आएगा, कौन आर्थिक भूगोल में आएगा। चलिए यहाँ पे ध्यान से सुनते हैं, इनमें से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? ऑप्शन है चिकित्सा भूगोल, भैया ये सामाजिक भूगोल की उपशाखा है। संसाधन भूगोल की बात कर ले तो ये तो आर्थिक भूगोल की उपशाखा है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सैन्य भूगोल की बात कर ले तो सैन्य भूगोल जो हो जाएगा ये किस में चला जाएगा? प्रश्न को बढ़िया से सुनिए, सामाजिक भूगोल की उपशाखा है कह रहा, वही तो देखें कि दो दो प्रश्न, चूंकि सैन्य भूगोल तो आपका ये इसमें निर्वाचन में चला जाएगा और संसाधन भूगोल आर्थिक में, तो सामाजिक में कौन आएगा? तो केवल चिकित्सा भूगोल, ये ऑप्शन सही है। 12 का ये, चलिए हटाते हैं, क्लियर नजर आ रहा होगा आपको, 12 का ये ऑप्शन ही सही है। चलिए कभी कभार नहीं, और हाँ बड़ा बढ़िया से आप बोर्ड एग्जाम में बैठिएगा तो देख लीजिएगा, कई बार पूछता है कि नहीं है और आप हाँ कहते हैं, कई बार कहता है कि है, आप नहीं समझते हैं, देख लीजिएगा। स्थानिक संगठन भौगोलिक अध्ययन का उपागम रहा है, तो ये तो साफ साफ जब एनसीईआरटी पढ़ते हो तो आपको मालूम है कि 1950 के दशक के अंत से 1960 के दशक के अंत के बीच का जो समय है, इसी में याद रखना है आपको कि स्थानिक संगठन भौगोलिक का अध्ययन का उपागम रहा है। चलिए, जो बच्चे नहीं बुक पढ़ रहे हैं, बुक भी बीच बीच में देख लीजिएगा, तो मार्क्स कम आ जाएगा। अगला प्रश्न है, नव निश्चयवाद संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया? तो नव निश्चयवाद अभी हम लोग देखे थे कि ये आपका ग्रिफिथ टेलर साहब, अमेरिकी भूगोल वेता है, इन्हीं का है रुको और जाओ, स्टॉप एंड गो। चलिए, ये आगे भी है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव भूगोल से संबंधित नहीं है? अभी इस पर डिस्कस किया, रिपीट क्वेश्चन है, मात्रात्मक क्रांति। चलिए आगे, अगला है, नव निश्चयवाद का प्रवर्तक कौन है? अभी रिपीट है, ठीक है, केवल ऑप्शंस इस तरह के आपको चेंज मिलेंगे, और ग्रिफिथ टेलर ना देखे, यहाँ शॉर्ट में डेल रहेगा टेलर, तो चलिए यहाँ टेलर साहब हो जाएंगे। आगे है 19 नंबर प्रश्न को देखिए, 1990 का दशक भूगोल के किस उपागम के लिए जाना जाता है? फिर एक प्रश्न गूगल से ही लाए हैं, जो कि आपको देख रहे हैं कि यहाँ पे आपको बी ऑप्शन मिल रहा है, गूगल पे आप भरोसा मत करिएगा, क्योंकि बी जो आधुनिकतावाद है ये नहीं होगा। आप एनसीईआरटी के जब पढ़िएगा लाइन, तो वहां पे साफ साफ आपको मिल जाएगा कि इस जो समय है उसको कहते हैं उत्तर आधुनिकतावाद। तो ये आपका 19 का ए ऑप्शन सही है, याद रखेंगे, राइट आंसर को फोकस कर करके उसी को बार बार रिपीट करिए, ये सब एनसीईआरटी का प्रश्न है, यहीं से एकदम सेम प्रश्न उठेगा जी, और ऑप्शन भी चेंज नहीं रहेगा। चलिए 19 का ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देखिए, रुको और जाओ निश्चयवाद की संकल्पना किसने दी? अभी तो हम लोग बात किए कि रुको जाओ, यह है ग्रिफिथ टेलर का, ऑप्शन में खाली टेलर है, तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है, मानव भूगोल का जनक माना जाता है, आपको बताना, यूनान को, एशिया को, अफ्रीका को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो मानव भूगोल के जो भूगोल का खाली जनक पूछ रहा है जी आपसे, तो भूगोल के जनक यूनान को कहा जाता है, यूनान के निवासियों को ही भूगोल को व्यवस्थित करने का पूरा क्रेडिट भी जाता है, ये ध्यान में रखना है। अगला है, नियतिवाद के विचारक कौन थे? तो ऑप्शन देखिए, इकांट है, हम्बोल्ट है, रिटर है, इनमें से कोई नहीं, सब पुराने सोच पर आधारित है, ये तीनों के तीनों नियतिवाद के विचारक हो जाएंगे जी, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा इनमें से सभी, डी ऑप्शन क्या है सही है। चलिए आगे, प्रश्न का क्रम से मतलब नहीं रखिए, आगे पीछे आ रहा है, अलग अलग जगह से हम प्रश्न को स्क्रीनशॉट लेके इसमें सब जोड़ जा दिए हैं, टाइम थोड़ा सा कम था, आज देखे कि वीडियो नहीं बन पाया था, तो थोड़ा सा लाइट उट का प्रॉब्लम के कारण, तो हम सोचे चलिए ऑब्जेक्टिव का ही 10-20 क्वेश्चन आपको करा दे, ताकि आपका कुछ रिवाइज भी हो जाए। अगला प्रश्न है, आधुनिक मानव भूगोल के जनक हैं, आधुनिक मानव भूगोल के जनक कहे या मानव भूगोल के जनक कहें, ये आपका हो जाएंगे फ्रेडरिक रेटजल, जर्मनी भूगोल वेता। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े, तो संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस फ्रांसीसी विद्वान ने किए थे? तो फ्रांस के उस विद्वान का नाम बताना है जो संभववाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किए थे, तो याद रखेंगे, संभववाद की अगर पूछ दे आपसे कि अवधारणा कौन दिए हैं, ये सबसे पहले विचारक, तो ये है पॉल विडाल डी ला ब्लास, तब तो ये सही होता, लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि खाली शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कौन किए, तो ये हो जाएंगे लूसिए फैब्रे, याद रखेंगे लूसिए फैब्रे यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यानी बी, ठीक है।
चलिए अगले प्रश्न की बात कर ले तो एंथ्रोपोजियोग्राफिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये तो आपको पढ़ा दिया गया जी, सिंपल है, नहीं याद रखे होंगे आप तो जान लीजिए। एंथ्रोपोजियोग्राफिया लिखे कौन है, तो रेटजल साहब, जो मानव भूगोल के जनक कहलाते हैं। चलिए जियोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है, अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, बड़ा इजी क्वेश्चन दे रहे हैं, बड़ा आराम से बनाइएगा। जियोग्राफिया जर्नलिस्ट के लेखक कौन है, सिंपल, यहाँ एल एन सी सिंपल शॉर्ट में है, वारेनियस, यहाँ पर वारनियर लिखा हुआ है, वारेनियस आप समझिएगा, रेटजल है, डार्विन है। चलिए बताइए, बहुत ईजी सा सवाल है आपके लिए, छोड़े हैं कॉमेंट बॉक्स में मात्र एक प्रश्न। अच्छा ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, किसने कहा मानव प्रकृति का दास है, हटिंगटन, अमेरिकी भूगोलवेत्ता, अरस्तु, एल एन सी सिंपल, बकले, तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा एल एन सी सिंपल, एल एन सी सिंपल याद रखेंगे, एल एन सी सिंपल जिसको कहते हैं कुमारी सिंपल, ठीक है। चलिए तो ये आपका हो गया आज का वीडियो सेशन खत्म। चलिए जो लोग आज ही जुड़े थे याद रखेंगे, आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ भूगोल का आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, भूगोल में जाकर के चैप्टर को फटाफट क्या करिए कि सभी वीडियो को आप ओपन करिए पार्ट वन पार्ट टू में और सेकेंड दो गुना स्पीड कर करके फटाफट आप उसको देख लीजिए ताकि चीज़ों को आपको दिमाग में एक बार हो जाए, अब तो क्रैश का टाइम है तो आपके पास टाइम नहीं है। चलिए दोस्तों वीडियो